2 जुलाई यानी आज का दिन इतिहास में एक खास महत्व रखता है। आज के दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज के दिन 1977 में अमेरिका के वॉरमॉन्ट शहर में दास प्रथा की समाप्ति हुई थी। आज के दिन यानी 2 जुलाई 1781 में मैसूर के सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज सेना में पोर्टो नोवो का युद्ध शुरू हुआ था। आज ही के दिन 1857 में इतालवी वैज्ञानिक गुग्लेमो मार्कोनी को लंदन में रेडियो का पेटेंट मिला था और 2 जुलाई 1916 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। आज के दिन 1962 में पहला वॉलमार्ट स्टोर कारोबार के लिए रोजर अर्कसास में खोला गया था। 2 जुलाई 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज के दिन 1976 में वियतनाम गणराज्य का अंत हुआ। साम्यवादी उत्तरी वियतनाम ने समाजवादी वियतनाम गणराज्य के साथ जुड़ने की घोषणा की। आज के दिन 1983 में स्वदेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने मद्रास के निकट कलपक्कम में काम शुरू किया था। 2 जुलाई 1990 में सऊदी अरब में मक्का मदीना में भगदड़ से 1426 हज यात्रियों की मृत्यु हुई थी। और आज के दिन 2002 में स्टीव फॉसेट गुब्बारे के जरिए दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति बना था। आज के दिन 2010 में कांगो में टैंकर ट्रक विस्फोट में 230 लोगों की मौत हुई थी। और 2 जुलाई 2015 में फिलीपींस में 220 यात्रियों से भरी नौका डूब गई थी जिसके चलते 62 लोगों की मृत्यु हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल, हिंदी।